सीन कुछ यूं है कि भाई आज जो है ना हमारे घर पकने वाले हैं डिलीशियस कबाब। तो भाई अब हमने दाल को पीसना है। यार बेटा एक काम क्या कर दे, क्या ये जरा पीस दे मेरा मसाला। नहीं भाई, मेरे को ना शर्जीना को देखने जाना है, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है वो। क्या हुआ, कौन शर्जीना? अरे मुस्तफा की बीवी। अरे कौन मुस्तफा? अरे वो तुमने ड्रामा नहीं देखा कभी मैं कभी तुम? अल्लाह अकबर। देखा तो यहाँ जो है ना चटनी पिस रही है हमारी हरा धनिया पुदीने की। तो भाई यहाँ जो है ना हमारे लजीज डिलीशियस कबाब पहले जा रहे हैं। सलाम अलैकुम जी। तो सीन कुछ यूं है कि भाई आज जो है ना हमारे घर पकने वाले हैं डिलीशियस कबाब। तो भाई इसका जो है ना हमें पूरे महीने इंतजार होता है कि भाई कब हमारे घर में कबाब पके और कब हम सब पूरी फैमिली मिलकर खाएं, क्योंकि महीने में एक ही बार पकते हैं। ठीक है जी, तो आज ऐसा सीन है कि भाई मम्मा ने जो है ना साथ साथ मशीन भी लगाई हुई है, मींस घर के काम भी निपटा रही हैं और हमारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हैं कबाब की। तो मैंने कहा कि भाई दो काम एक साथ कर लेते हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास और काम बहुत ज़्यादा, तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें जो है ना सब एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। और मम्मा ने कहा कि जो है ना मेरे व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी भी शेयर करो। लोग जो है ना बीफ के कबाब बनाते हैं और हम आज बनाने वाले हैं चिकन के कबाब, तो ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो आप लोग मशीन वगैरह भी लगी हुई है, सारे कपड़े फैले हुए हैं और मम्मा साथ साथ कपड़े भी धो रही हैं, खाना भी पका रही हैं। तो मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह लास्ट पर, जैसे ही कबाब बन जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई क्या टेस्ट है क्या नहीं। और हम बहुत बहुत मतलब दिल से इंतजार करते हैं कबाब बनने का। ठीक है जी, तो अब जो है ना हम बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या सीन्स आ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें ये है कबाबों का मसाला, इसमें है कीमा 1 किलो। सही है, 1 किलो कीमा आ गया भाई। और इसमें 5-6 लहसुन के दाने हैं। ओके हो गया। और ये 10-12 साबुत मिर्चे हैं। ओके हो गया। और ये वो है दालचीनी है 2-3 टुकड़े। और ये है गरम मसाला थोड़ा सा, तकरीबन 12-13 काली मिर्चें हैं, लौंग हैं बस। सही है, ठीक है, ये हम सब इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच जीरा। 1 चम्मच जीरा होगा, बाकी सब आपको बता दिया हमने। ये चिकन का है कीमा। सही है, सही, ये देखें चिकन का ये। तो भाई चिकन के कबाब बन रहे हैं। ठीक है, लोग उसके गाय के कबाब बनाते हैं, क्या कहते हैं हम बीफ के, बीफ के कबाब बनाते हैं और हम बनाते हैं चिकन बीफ दोनों, लेकिन आज बन रहे हैं चिकन के। ठीक है, देखें। और ये हमने दाल बॉईल की हुई थी और ये हम दाल कितनी डाले, ये है तकरीबन आधा किलो, 1 किलो कीमा है तो आधा किलो दाल हो गई। ओके हो गया, ठीक है, ये 1 किलो थी, इसमें से मैं आधी ले लेती हूँ तो ये आधा किलो हो जाएगी। सही, ओके, बस हाँ बस। और ये थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें। ओके, जल्दी जल्दी से कर लो फिर, जल्दी जल्दी से, चिकन का है ना जल्दी गल जाता है, तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें, हल्का सा पानी। तो भाई इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है हल्का सा, बिल्कुल दाल हमारी गली हुई है, सिर्फ कीमा गलाना है। ओके हो गया, दाल बॉईल कर ली थी, अब बारी है सिर्फ कीमा बॉईल करने की। ठीक है, चलें देते। तो भाई ये जो हम चढ़ा के आए थे ना मसाला, ये रेडी हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो कबाब का मसाला रेडी हो गया। और कितनी देर पकाए मम्मा इसको? बस 15 मिनट तक हमने इसको अच्छे से जो है ना बॉईल कर लिया, मिडल आंच पे ना इसको बॉईल कर लिया हमने। ठीक है, 15 मिनट लिए, आप लोग देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा आया। ठीक है जी, और अब क्या कर रही हो? अब इसमें मसाला डालना है ना पीस के सारा, तो इसमें आ गई प्याज, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। हरी मिर्चें कितना कितना लिया सब? प्याज लिए 5 छोटी छोटी दरमियानी साइज की, और हरी मिर्चें 8 ली हैं, और हरा धनिया 1 गड्डी। हो गया, डन हो गया भाई। चलो जी, ये मसाला बन रहा है इसका, और ये चटनी का है, और ये चटनी का बन रहा है। दो चीज़ें बनेंगी, चटनी और कबाब, दोनों चीज़ें। क्योंकि कबाब के साथ अगर चटनी ना हो खट्टी मिट्टी तो क्या फायदा कबाब का भाई। और कबाब के साथ चावल वगैरह भी हैं, रोटी, पराठे। ओ, पराठे प्लस कबाब प्लस चटनी खट्टी मीठी। तो अभी इसको पीसना है, इसको चलो इसको मसाला बना लो। ठीक है, फिर हम लोग इसको पीसते हुए दिखाते हैं। पीसोगी? पीस लो। नहीं नहीं, शुक्रन शुक्रन, नहीं आप खुद पीस लो, हम नहीं कर सकते काम। आप वीडियो देखते ही पीस लो, पीस लो, जल्दी से करो। चलो चलो गाइस, जब तक मम्मा ये मसाला बना रही है तब तक हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा, आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है जी, पापा लेकर आई मम्मा के लिए मैं चटनी का सामान, जीरा और कुटी मिर्चें। ठीक है, और ये आ गया जी पुदीना। पुदीना के अंदर क्या डाला? इमली, इमली का पानी,
और ये एक चमचा जीरा और ये लहसुन के दो जवे, लहसुन के दो जवे, ठीक है। अच्छा जी, और ये डाला हमने कुटी मिर्च, ये कुटी मिर्च डाली, नाम बताओ, हो गया डन। बस अब इसको पीसना है। चलो जी, तो एक ऐसी खट्टी मीठी और मसालेदार क्रिस्पी बने, वो क्रिस्पी कह रही हूँ, स्पाइसी बनेगी, खट्टी मीठी, खट्टी मीठी। चलो जी, क्योंकि गाइस मसला यह है कि भाई कबाब के साथ जो ना खट्टी मीठी चीज़ें चलती हैं, खट्टी मीठी स्पाइसी, क्योंकि कबाब जो है ना थोड़ा मतलब नॉर्मल मिर्च वाला होता है, तो आप जो है ना थोड़ा स्पाइसी करने के लिए उसके साथ चटनी ऐड कर लें या कोई और चीज़ ऐसी ऐड कर लें। तो आप जो है ना, हम लोग इसके साथ चटनी ऐड कर रहे हैं, आप अचार ऐड कर सकते हो, आप कुछ और चटनी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम जो है ना हरे धनिया पुदीना की चटनी बनाकर जो है ना वो इसके साथ मिक्स करके खाते हैं। तो गाइज ये है सिलबट्टा, सिलबट्टे पे हम पीसते हैं, पुराने ज़माने की औरतें इस पर पीस के जो है ना, पुराने जमाने, हाँ मतलब मैं तो उससे भी पुराने जमाने की हूँ ना, तो पुराने जमाने की जो औरतें थी ना वो सिलबट्टे पे जो है ना पीस कर चटनी वगैरह, इससे ना टेस्ट आता है, आप जो हाथों से बनाते हो ना उससे टेस्ट आता है, वो ग्राइंडर में पीसने से कोई मजा नहीं होता चटनी का, तो आप सिलबट्टे में या वो जो होती है ना वही यूं करते हैं उसको, क्या कहते हैं, इमाम दस्ता। तो इमाम दस्ते में और ये जो सिलबट्टा होता है ना इस पर अगर आप लोग बनाते हो तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चटनी का, और पता चलता है कि हाँ भाई आपने खुद अपने हाथों से चटनी बनाई है, तो हाथों का टेस्ट आता है। तो यहाँ जो है ना चटनी पिस रही है हमारी, हर धनिया पुदीने की, मतलब ग्रीन चटनी, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, ये देखो। तो यहाँ जो है ना हमारी चटनी भी पीस चुकी है, अब बारी है जी कबाब के मसाले को पीसने की। जैसी चटनी पीसती है मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई क्या फुल लुक है और कैसी चटनी बनी है हमारी, देन हम मसाला पीसना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमसे इंतजार नहीं होना, तो मुझे पता है आपसे भी इंतजार नहीं होना, तो जल्दी जल्दी से बस चटनी बने और कबाब पीसे और जाए, समझ रहे हो ना, तो बस जल्दी जल्दी ये करते हैं। ये देखो हमारी चटनी के कुछ ये सीन्स है, चटनी तैयार हो गई है, अब इसमें से हमने पानी ऐड करना हल्का सा बिल्कुल, ठीक है, और ये जी ये रहा मसाला, वो नहीं ऐड कर रही इसके अंदर, क्या नहीं ना, वो तो पीसने के बाद होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई अब हमने दाल को पीसना है। यार बेटा एक काम कर दे, ये जरा पीस दे मेरा मसाला। नहीं भाई, मेरे को ना शर्जीना को देखने जाना है, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है वो। क्या हुआ, कौन शर्जीना? अरे मुस्तफ़ा की बीवी। अरे कौन मुस्तफ़ा? अरे वो तुमने ड्रामा नहीं देखा कभी मैं कभी तुम? अल्लाह अकबर, देखा तूने आधी रात को उसकी वो भाई की बीवी ने उसको बाहर निकाल दिया, फिर उसको पीस ले बेटा, मैं जरा ड्रामा देख लो। इतनी सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है और कह रही है कि क्या होगा पाकिस्तानी मॉम्स का, क्या होगा, मैं नहीं देखती ऐसे फजूल ड्रामे। नहीं वो अच्छा, बहुत बीमार है बेचारी, गिर गई, वो प्रेग्नेंट थी बेचारी, गिर गई, उसको देखना है, जाना है मुझे। तो नर्सर वहाँ की नर्स यही तो है, उसे बेचारी को बचा लेंगी, बहुत तकलीफ, बस उसके हक में दुआ करो मम्मा, उसके हक में बेहतर हो शर्जीना, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, शर्जीना हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, चलो पीसो। उसकी भाभी बहुत तेज है, देखा उसके ऊपर कैसा चोरी का इल्जाम लगा दिया उसने, गुस्सा आ रहा है मुझे तो, दिल चाह रहा मुंह नोच के आ जाओ उसकी भाभी का, भाई और भाभी का, चलो जो कर रही हो पीसो, कर ले बेटा मैं ड्रामा देख लू। अल्लाह मंगल मंगल को आता है मम्मा, मंगल का इंतजार करो प्लीज, तुम मंगल ही उठा लो कि बेटा। ये तो है ना हमारा मसाला पीस रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा मसाला कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, इसको पीस लो मम्मा, ठीक है। तो भाई जब ये पूरा मसाला पीस जाएगा ना तो हम आपको इसके अंदर जो मसाले ऐड करेंगे वो भी दिखाएंगे, तो जल्दी जल्दी से मम्मा ये पीस लेती हैं, चुटकी बजाते ये पीस लेंगे मम्मा, तो हम आपको मिलते हैं जल्दी जल्दी से, तो मम्मा जल्दी जल्दी इसको पीसो, फिर हम आपको व्यूवर्स को मिलते हैं। ये हमारे कबाबों का मसाला जो है ना मम्मा ने पीस लिया, ठीक है, ड्रामा इंजॉय किया मम्मा आपने, तो भाई ये मसाला पिस चुका है और ये रहा जी इसका ऊपर से जो डलना है ना मसाला, वो ये है। तो भाई ये हमने मसाला डाल दिया सारा इसके अंदर, आप लोग देख सकते हो इसका लुक, और ये देखो कौन कौन ऐसे खाता है कबाबों को, हम तो कौन कौन कबाबों को मसाला चुरा के खाता है अपनी मम्मा के पास से, कौन कौन खाता है, मैं और मंतशा ने तो खाया है ना, मंतशा पापा हम भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये देखो अब मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, इसमें रख दो छन्नी, यहाँ जो है ना हमारी टिक्कियाँ बन रही कबाब की, ठीक है, अब ये हम खाने वाले अपने खाने में डिनर के अंदर, और ये देख लो आप सब
तो भाई आज के डिनर के लिए हम लोग जितने टिक्किया हो सकते हैं हम बना के जो है ना इसको फ्राई करेंगे, ठीक है, और अपने दस्तखान पे पेश करेंगे। दस्तखान लग चुका है हमारा यहाँ पर, ठीक है। कभी मैं कभी तुम, गाइस मैं झुक के व्लॉग बना रही थी इनका, कभी मैं कभी तुम शर्दीना और मुस्तफा खत्म ही नहीं हो रहा। तो भाई जल्दी जल्दी इसको फ्राई करना, और अब हमसे रहा नहीं जा रहा क्योंकि भूख लग रही, कुछ नहीं खिलाया इन्होंने, ठीक है। तो मामा कह रहे हैं यहाँ दस्तखान पे वेट कर रहे हैं, हम यहाँ दस्तखान पे मामा वेट कर रहे हैं, और यहाँ भी प्रोसीजर चल रहा है, मतलब समझ रहे हो बात को। भूख की इंतहा इतनी है कि दस्तखान लग चुका है, हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, और अभी सिर्फ टिक्किया बन रही है, मीन्स अभी इसके ऊपर वो लगेगा, अंडा लगेगा, फिर फ्राई होगा, फिर दस्तखान पे पेश किया जाएगा। हाँ हाँ, अभी AI लगा नहीं है, अभी लगने वाला है। तो भाई हम वेट करते हैं टिक्किया का, मींस वो जो है ना अभी तलेंगी, फ्राई करेंगे इसको हम, और कबाब हमारे दस्तखान में पेश किए जाएंगे, फिर हम लोग आपको दिखाते हैं कि भाई क्या टेस्ट है और क्या रिव्यू है इसके, ठीक है। वेट करें, छोटे से ब्रेक के बाद आपको दस्तखान में मिलता है। तो भाई यहाँ जो है ना हमारे कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं। ओ पक गए, मतलब तलने के लिए दिखाने आई थी। तो भाई यहाँ हमारे कबाब तल चुके हैं, चलो भाई दस्तखान पे लेके चले। ये लो आप इसको पकड़ो जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये कबाब हमारे तल के आ चुके हैं, आप देख सकते हो। वो तल नहीं है वहाँ, मैं वहाँ देख रही थी, मैं समझी कि तले नहीं है, लेकिन यहाँ तो तल चुके थे। तो भाई यहाँ जो है ना हमारी मशीन के कपड़े भी धुल चुके हैं, और मम्मा ने सारा काम मुझसे करवाया, कपड़े धुलवा के फलवाए भी हैं। तो भाई यहाँ जो है ना कबाब तले जा रहे हैं। चलो अम्मा मैं फ्राई कर दूँ, अम्मा आप बोलें तो मेहरबानी आपकी, कर देती ना अम्मा, कर लूँगी, कर लेंगे आप। तो भाई यहाँ जो है ना हमारे लजीज डिलीशियस कबाब तले जा रहे हैं। तो भाई यहाँ जो है ना मेरे वाले कबाब भी रेडी होके आ चुके हैं। दरवाजा कौन खोलेगा? हेलो, सॉरी नोटिस दीजिए, क्या कर रही हो? रोल बना रहे हैं, रोल बना के खा रही हो? वाह 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 वाह, चलो बाहर से लाए से चलो जी, मेरे को रोटी दे दो। चलो जी गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है, और आपको रिव्यू देते हैं, जरा चख के बताते हैं कि कैसा बना है। और क्योंकि आपको पता है खाने के मामले में कराची वाली तो यू नो सबर तो होता नहीं है। और क्या हुआ मंदसा, दवाई पी लो भाई, मंदसा की तबीयत ख़राब नहीं, फीवर हो रहा है, और वहाँ दवाइयाँ पिला रहे हैं, और हम यहाँ खाना खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा बन गया रोल। गर्म गर्म हवा देख रहे हो आप लोग, कैसे निकल रहे गर्म गर्म एकदम। हाँ भाई धुआं, ये हमारी चटनी भाई, ये आ गया हमारा। थैंक यू मम्मा। अब थोड़े ना लवाजमात के साथ हम चखने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म था, धुआं निकल रहा मुझसे। बस खराब हो रहा होगा उसका कबाब खा लेना। एक एक चक्का लो, एक चक कबाब रोल बनाएंगे। कब से वेट कर रहे थे हम कबाब तैयार होने का, और अब फाइनली कबाब तैयार हो चुके हैं, और जब मैं बोलने ज्यादा लगती हूँ तो समझ लो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो अब जाते हैं हम लोग खाना पीना करते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना हमारा व्लॉग एंड होगा। आपको पता है क्योंकि खाने के बाद तो सोना ही होता है इंसान ने। तो यहाँ मम्मा चक्री है, मम्मा चक्को बताओ। मैं बनाया तो अच्छा ही होगा। हाँ ये तो है, मदरसा चखा है आपने, कबाब खाया? चलो जी रोल खा रही हैं, ये रोल बना के खा रही हैं। चक्को जरा कैसा? बहुत अच्छा।
मुंह में जो चल रहा है उसको तो खत्म करो, अभी पेट में गया है नहीं, बहुत अच्छा हो। तो भाई यहाँ देख सकते हो आप लोग सब खाना खाना स्टार्ट कर गए हैं, ठीक है। तो भाई आप मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, तो जल्दी जल्दी खाते हैं पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलो बाबा आप बताओ। उफ अल्लाह, मम्मा कह रही है मैंने बनाया तो अच्छा ही होगा ना, बताओ कैसा है। पानी दो। अरे बस बता भी दो। मैंने नहीं खाया अभी तक। क्यों खाओ? बेहतरीन बेहतरीन 3.5 बेगम चलो जी मिलते हैं आप लोगों को खाने के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ख्याल रखे अपना और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना खाने के बाद ब्लॉग को एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अभी पहले खाना खा लें, इंतजार नहीं होता जी हमारा, अल्लाह शुक्र हो गया। तो भाई लास्ट का जो मेन्यू होता है वो पापा ही खत्म करते हैं, जो बचा कुचा खाना होता है वो पापा ही खत्म करते हैं। तो भाई अभी जो है ना मम्मा जा रही है चाय बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि लास्ट का ब्लॉग बना दूं। मम्मा चलो ना चाय बना दो। तो भाई मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि खाने के बाद चाय तो बनती है ना बॉस। क्या अम्मा उठो यहाँ से। तो भाई मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय इज इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो भाई चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं लोगों के लिए, सही है। मूड बिल्कुल भी नहीं था चाय बनाने का, लेकिन क्या करें ब्लॉग को एंड करना था तो चाय से कर देते भाई। चलो ये चाय बनाते हैं, ठीक है। ये देखो जरा मम्मा ने क्या गंदगी फैलाई है, तौबा। तो भाई अभी जाना बर्तन वर्तन धोती हूँ, ठीक है। चाय बनाते हैं, चाय सर्व करते हैं, पीते हैं और दिखाते हैं कि भाई क्या टेस्ट है चाय का, क्योंकि मैं जो ना कड़क चाय बनाती हूँ, समझ रहे हो बात को, कड़क चाय और दूध वाली चाय बनाती हूँ। तो अभी जो है ना दूध लेकर आओ, जरा जाओ काम कर लिया करो, दूध लेकर आओ। ये हमारे घर की अम्मा है गाइस, कह रही चाय भी क्यों बना रही हो। तो भाई जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते फिर मिलते हैं आपको, जरा बर्तन धो लूं। यहाँ जो है ना मैंने चाय चढ़ा दी है, ठीक है। अब हम इसमें अब डालेंगे पत्ती। ओके ओ शिट, मैं जो है ना थोड़ी ज़्यादा पत्ती डालती हूँ, क्योंकि मुझे पीनी होती है कड़क चाय, क्योंकि कड़क चाय से आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है, आपका दिमाग भी काम करता रहता है, चलते रहते हो आप और एकदम स्ट्रांग रहते हो आप। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि भाई कड़क चाय पियो, मीठी कम हो लेकिन कड़क हो। तो जी यहाँ हमारी चाय रेडी हो चुकी है, तो इसको जल्दी से डाल देते हैं और इसको उठा के रख देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो भाई ये कुछ हमारे अंदाज हैं चाय बनाने के, तो बन गई, चलते हैं अंदर। ये लो भाई चाय, ये लो भाई चाय, मेरे लिए लाइयो। ये लो पापा, पापा जल्दी, पापा पापा जल्दी से, एक दिन तो पापा कुछ। चलो जी आप जो है ना इसको बंद करा। तो जी अब चाय पीते हैं और बस यहीं तक था हमारा ब्लॉग, लास्ट करेंगे ब्लॉग को, ठीक है। अब हमने पीनी है चाय शाय, तो भाई चाय शाय के बाद सीन्स हमारे सोने के ही हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सॉरी भूल गई थी मैं। तो भाई चाय शाय पीने के बाद जो हमारे सीन्स हैं वो ये है कि भाई हमने सोने जाना है। तो सोने से पहले हम इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने पीने की और रिव्यूज मिलने वाले हैं। तो भाई अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।